तो चलिए दोस्तों, निकालती हूँ कढ़ी, मेरा फेवरेट वाला, मिश्री का भी फेवरेट वाला, आसानी से बनने वाला। आप लोग भी खाते हैं क्या ऐसा वाला, ज़रूर बताइएगा। नहीं खाए होंगे का एक बार भी तो बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी रहता है। ये देख सकते हैं, जल्दी दो बाय दोस्तों, आता हूँ फिर मिलेंगे। गाड़ी को छोड़ के दौड़ते हुए आए हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी हो रहे हैं सुबह का 7 बज रहा है। ये देख सकते हैं मिश्री कहाँ जा रही है, स्कूल, स्कूल जा रही है मिश्री, क्योंकि इसका अभी पेपर चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। और आज इसका कौन सा पेपर है मिश्री? ईवीएस। ईवीएस का, ईवीएस का पेपर है। और ये क्या है? कॉपी। किटिंग करने के लिए लिखा नहीं तो पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम मिलता है? ऑटो में बैठे बैठे करती। गाड़ी चालू हो गया दोस्तों, मिश्री जा रही है। बाय, अच्छे से बनाना, पानी रखिए ना, पानी पानी रखिए ना, पानी रखिए। हाँ बाय, अच्छे से बैठो, पीछे बैठो। देखना दोस्तों, मिश्री बाय करते रहती है। चली गई दोस्तों मिश्री, हम लोग भी चलते हैं अंदर। हल्का हल्का धूप आ गया है अभी, बहुत एक सप्ताह से बहुत बादल बादल था, बारिश हो रहा था। अभी बढ़िया धूप खिला है, ये देख सकते हैं, अच्छा धूप निकला है सुबह सुबह से, अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैं बोल रही थी पानी बॉटल ले गई है करके, तो हाँ बोली है और पानी बॉटल को ये छोड़ के चले गई है। ये देखिए, चलिए उसके पापा आ रहे हैं लेने के लिए, कॉल की थी तो बोले आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। जल्दी दो, जल्दी दो, बाय दोस्तों, आता हूँ फिर मिलेंगे। गाड़ी को छोड़ के दौड़ते हुए आए हो, था वो पानी बॉटल को नहीं रखी होगी करके, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी ना तो फट से निकल गई थी और पता नहीं चला था, उसके पापा ही बॉटल में डाले थे, पानी मत डालो बोल रही थी तो भी डाल के दिए थे और भूल के नहीं गई थी, वो छोड़ के गई थी, मुझे पता है। पानी पीने जैसे नहीं करती है स्कूल से भी, वो बॉटल ना थोड़ा सा खाली होता है फिर आ जाती है लेके, पूरा पानी भराया रहता है, पीती नहीं है ज़्यादा स्कूल में पानी। दोस्तों अभी दोपहर हो गया है, 12 बज गया है और ना मिश्री और मिश्री के पापा घर आ गए हैं और मैं अभी खाना बनाने वाली हूँ। अभी मिश्री क्या कर रही है चलिए दिखाती हूँ आप लोग को। ये देख सकते हैं क्या कर रही है, ये भगवान जी से प्रार्थना कर रही है कि मेरे लिए होली का सामान आ जाए और बहुत सारा मस्ती करूँ। नहा धो के यहाँ बैठी है, अच्छे से मांग, जय जय कर, बात भी नहीं कर रही है, इधर को देख भी नहीं रही है। देखी देखी, चलिए दोस्तों बनाते हैं खाना। आज मैं खाने में बना रही हूँ कढ़ी, सेव वाला कढ़ी। उसके लिए मैं देखिए क्या क्या ली हूँ। देखिए बेसन ले ली हूँ और टमाटर काट ली हूँ, प्याज काट ली हूँ और मिर्ची और कढ़ी पत्ता और ये थोड़ा सा दही है। और ये देखिए दोस्तों, ये मैं अचार लेके आई थी उस दिन, तो इसको मैं डाल लेती हूँ इसमें, मिक्स अचार है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए डालते हैं, इसको फाड़ना पड़ेगा। इसमें जो अचार है वही अचार है दोस्तों, ये ख़त्म हो गया है, अभी और लेके आई हूँ, ये ख़त्म हो गया है। और इसमें क्या है, ये भी है अचार, ये देखिए। मिश्री खाती है अचार? हाँ, यही तो खाती है, इसीलिए लेके आई हूँ, इसको अचार बहुत पसंद है।
मैं खत्म क्यों फ्रेंड इसको? चल ना ऐसे दिखा, इसने मत डाल दी। ये देखिए कितना अच्छा अचार है। सकते हैं दोस्तों इतना सारा रहता है उसमें अचार में। कितने ग्राम का है ये? 200 ग्राम का है। और ये पूरा ख़त्म, इसमें इसको फेंक देती हूँ, कचरा डब्बा में डाल दूँगी। ये मिक्स अचार है, इसमें सब कुछ है, आम का, नींबू का, मिर्ची का, अदरक का और बहुत कुछ 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 रहता है। तो दोस्तों बेसन में मैं थोड़ा सा नमक, ये देखिए नमक, और थोड़ा सा मीठा सोडा डालूंगी। निकालते नहीं बन रहा है, इसी से निकालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है इसीलिए उंगली से कर रही थी। ये देखिए थोड़ा सा ही डालना है, थोड़ा सा और कर देती हूँ। इतना ठीक है। अब इसको ना अच्छे से फेंट लेती हूँ। दोस्तों पतला नहीं करना है इसको, ना गाढ़ा ही रखना है, इसीलिए थोड़ा देख के करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं मैं इसको कर ली, इसको अच्छे से फेंट लूँगी और रख दूँगी। अभी कढ़ी को बनाने के लिए देखिए दोस्तों मैं ना प्याज को इतना ही रखूँगी, इसको ज़्यादा नहीं भूनूँगी और थोड़ा कच्चा टाइप का रहेगा। अब इसमें डाल दूँगी टमाटर को। तो देख सकते हैं दोस्तों सब कुछ मैं बना के तैयार कर ली, इसमें दही वही सब डाल ली, मसाला वगैरह अच्छे से भून के। अब इसमें मैं लास्ट जो मेरा बेसन है ये, इसको क्या करती हूँ दिखाती हूँ आप लोग को। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बेसन है और ये मेरा झारा, हम लोग झारा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। और ऐसा वाला कढ़ी कौन कौन खाया है ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं सेव जैसे निकल रहा है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं है घर में तो बना लो और अपना खा लो। कढ़ी बहुत ही आसान तरीका है। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से निकल रहा है ना मम्मी। दोस्तों पूरा बेसन को इसमें गार ली हूँ और ये अच्छे से हो गया है, ये देख। और ये थोड़ा सा कटोरी में बचा है इसको घोल के इसमें डाल देती हूँ। बेसन को इसको घोल दी जो बचा था उसको, ये देख, और इसको डाल देती हूँ इसमें। देख सकते हैं दोस्तों मेरा कढ़ी बनके तैयार है, ये देख। और ये मेरी लालची यहाँ चढ़ गई है ऊपर में, और ये बन गया मेरा। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों निकालती हूँ कढ़ी, मेरा फेवरेट वाला, मिश्री का भी फेवरेट वाला, आसानी से बनने वाला। आप लोग भी खाते हैं क्या ऐसा वाला ज़रूर बताइएगा, नहीं खाए होंगे का एक बार भी तो बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी रहता है। ये देख सकते हैं बेटी खा के बताएगी आप लोग को कैसा बना है। गरम है थोड़ा, देख के खाना ठीक है। गरम है बहुत ज़्यादा। बहुत टेस्टी है। अच्छा है ना? तो आज ना मिश्री का चौथा पेपर था, है ना मिश्री? चौथा पेपर था, अभी दो पेपर और बचा है। होली के बाद फिर है दो पेपर, आज ईवीएस का था। और क्या क्या बचा है? जीके मोरसन बस।
जीके मॉरल साइंस। दिमाग मेरा अभी इसी के चक्कर में है, इसीलिए वीडियो कम बनता है। बहुत दिन में आया है मेरा ये वाला व्लॉग, इसी को पढ़ाने में निकल जाता है मेरा दिन भर, और घर का काम में तो व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।